हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की हिंदी बुक रिमझिम हवाई छतरी। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हवाई छतरी है तो देखिए, हवाई छतरी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो सामान चाहिए देखिए, एक रुमाल, धागे के 4 टुकड़े और एक पत्थर चाहिए। और उसके बाद देखिए, इसे बनाने का तरीका क्या है। समान लंबाई के धागे के चारों टुकड़ों को रुमाल के चारों कोनों से बांधो। तो इस तरह से चारों कोनों से बांध देंगे। रुमाल के चारों कोनों को बीच तक मोड़ो। चारों धागों से पत्थर बांधने के पहले यह निश्चित कर लो कि उनकी लंबाई एक समान हो, ठीक है। अब इसे आकाश की ओर जोर से उछालो और इसके धीमे धीमे तैरते हुए नीचे आने का मजा लो। तो इस तरह से देखिए, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में, उस तरह से ही आपको बनाना है। इस तरह से आप बना लेंगे, उसके बाद देखिए इसमें करो। रुमाल की जगह प्लास्टिक की सीट से हवाई छतरी बनाकर देखो। तो देखिए, रुमाल के जगह अगर आप प्लास्टिक सीट ले सकते हैं तो उससे भी आप ये छतरी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, जानो क्या यह पैराशूट चंद्रमा पर जहाँ बिल्कुल हवा नहीं होती काम करेगा। तो देखिए, ये पैराशूट काम नहीं करेगा। जहाँ पर हवा नहीं होती वहाँ पर पैराशूट काम नहीं करेगा। अगर रुमाल के बीच एक छेद हो तो क्या यह पैराशूट काम करेगा। तो भी काम नहीं करेगा। अगर छेद हो जाएगा तो भी ये काम नहीं करेगा। तो चलिए, ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम वर्कबुक बना लेते हैं साथ ही साथ। तो देखिए, हवाई छतरी है। आपने हवाई छतरी कैसे बनाई, अपने शब्दों में लिखिए। तो कैसे बनाई, तो हवाई छतरी बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक की थैली ली, उसे सीधा करके चारों ओर से आयताकार में काटा। फिर मैंने उसके चारों कोनों को अलग अलग धागे से बांध दिया और उन चारों धागों के कोनों को एक पत्थर से बांध दिया और हमारी छतरी तैयार है। तो इस तरह से बनाई, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है कि क्या आपकी बनाई हवाई छतरी हवा में तैरी, क्या इसे उड़ाने में कोई दिक्कत आई, अपना अनुभव बताइए। तो हाँ, हमारी हवाई छतरी हवा में तैरी नहीं, उसे उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो देखिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपका वर्कबुक भी और चैप्टर भी। तो आप हवाई छतरी बना के देखिए, चाहे तो रुमाल से देखिए या अगर आपके पास प्लास्टिक की सीट है तो उससे आप बना के देखिए। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।